जी की करामात की कहानी सुना रहा। एक बार मैं पतंग उड़ा रही थी, तो पतंग उड़ाते उड़ाते मेरी पतंग जो है बहुत दूर चली गई। पतंग दूर चले गई तो मेरी पतंग जो है चांद में अटक गई। चांद कहाँ होता है बच्चों? आसमान में। चांद को क्या बोलते हैं? चंदा मामा। अब क्या होगा? पतंग जो है चांद में अटक गई, तो जो है तब आसमान में दो आदमी चढ़े पतंग को लाने के लिए। आदमी चढ़े अब वो वहां से चढ़ गए, लेकिन नीचे नहीं उतर पा रहे। आसमान में चढ़ गए, वो चांद पे चढ़ गए लेकिन नीचे नहीं उतर पा रहे थे, लेकिन पतंग को पकड़े थे भूल से, और दोनों मेरी पतंग पर बैठ गए। किसमें बैठ गए? पतंग में बैठ गए। तो मैंने एक झटका मारा, जिसने जो है पतंग पकड़ी थी उसने एक झटका मारा। झटका जोर से मारा तो जो है तो वो दोनों मेरी पतंग के नीचे गिर गए। तो जो है एक पानी का साथ था, ये पतंग की करामात थी। तो पतंग की आज हम आपको सुनाएंगे एक गधे की कहानी। एक गधा था जो बहुत उदास रहता था, तो क्या कहते हैं बहुत उदास था, बहुत क्या कहते हैं उसकी क्या परेशानी थी कि वो हमेशा सोए रहता था, उसकी नींद नहीं खुलती थी सुबह जल्दी, जिससे उसकी बहुत उसके मालिक ना उसको बहुत डांट लगाते थे, बहुत मारते थे उसको। तो बेचारा बड़ा उदास था। एक दिन वो घाट पे जा रहा था तो उसको एक गाय मिली। गाय ने पूछा, क्यों भाई? गधे का नाम क्या था? भीमा। गधे का नाम था भीमा, ठीक है। तो गाय का नाम था गौरी। तो भीमा ने कहा, नहीं, गौरी ने कहा, भीमा जी आप इतने उदास क्यों हो, क्या बात है? तो क्या कहते हैं गधे ने कहा कि मैं ना सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, क्या आप मुझे जगा दोगे? तो गाय ने कहा ठीक है मैं जगा दूंगी। तो सुबह जब क्या कहते हैं वो सोता रहा, जब गधा गाय उठाने को आई और बोली माँ 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 करके, लेकिन गधा नहीं उठा, ठीक है, और वो फिर से उदास हो गया। फिर जब वो घाट पे गया तो उसको एक कुत्ता मिला, ठीक है। कुत्ते का नाम था मोती ने पूछा, क्या हुआ गधे भाई, आप इतने उदास क्यों हो? तो गधे ने कहा, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, क्या आप मुझे उठा देते हो, क्या मुझे उठा दोगे? तो कुत्ते ने कहा ठीक है मैं उठा दूंगा। फिर दूसरे दिन सुबह कुत्ता भौं 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 करता रहा, लेकिन गधे की नींद नहीं खुली। फिर उसके बाद उसको एक मुर्गा मिला, चीनू ने पूछा, मुर्गे का नाम था चीनू। चीनू ने पूछा कि गधे भाई इतने उदास क्यों हो? तो गधे ने उसको भी वही बताया कि मुझे सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती है, मेरी बहुत मार लगती है, आप मुझे उठा दो, आप तो सबको उठाते हो तो मुझे भी उठा देना। तो मुर्गे ने कहा, चीनू ने कहा ठीक है मैं उठा दूंगा। तो सुबह क्या कहते हैं जो मुर्गा था वो कुकड़ू कू बोलता रहा, लेकिन गधे की नींद नहीं खुली। उसके बाद क्या हुआ? गधा फिर उदास हो गया। फिर उसको एक कौवा मिला। फिर कौवे से भी उसने यही कहा कि कौवा भाई मुझे सुबह बहुत नींद आती है, मेरा मालिक बहुत मारते हैं मुझे, तो आप मुझे उठा देना। कौवे ने कहा ठीक है मैं उठा दूंगा। तो सुबह कौवा भी आया, कौवा काँव 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 करता रहा, लेकिन गधा फिर भी नहीं उठा। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन वो सुबह सो रहा था, सोते सोते एक मक्खी आई भिन 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 करती हुई। एक छोटी सी मक्खी आके उसकी नाक में बैठ गई। अब नाक पे जैसे ही बैठी वैसे ही गधे को छींक, ऐसे करके छींक आ गई बहुत तेज। कैसे आई बच्चों? छींक। फिर क्या हुआ, गधे की नींद
खुल गई और गधा खुश हो गया। अब फिर गधे ने कहा कि मक्खी बहन मुझे रोज उठाने के लिए आना। कहानी खत्म हो गई बस। सुनो बच्चों, आज हम एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। क्या तुम इसको पहचानते हो? ये कौन है? दादी अम्मा के चश्मे। लेकिन क्या होता है कि दादी अम्मा जब घर में सो रही होती है तभी उसका चश्मा कौवा लेके उड़ जाता है। ये देखो कैसे लेके उड़ रहा है ना, और ले जाके वो अपने घोंसले में छुपा देता है। दादी अम्मा जब सुबह उठती है तो वो अपने चश्मे को ढूंढती है। किसको ढूंढती है? चश्मे को। पर उसका चश्मा नहीं मिलता है और फिर वो परेशान हो जाती है। ध्यान दो बच्चों, क्या हो जाती है? वो परेशान हो जाती है। किसके बिना? चश्मे के बिना। दादी अम्मा को तो दिखाई नहीं देता ना चश्मे के बिना। हम लोग तो वैसे ही देख लेते हैं ना बिना चश्मे के। मीनू बच्चा, हाँ जी बोलो। सही हो ना? जी जी, बहुत अच्छा। दादी अम्मा को अपने कपड़े धोने होते हैं। वो अपने कपड़े धोती हैं और लेकिन उन्हें तो दिखाई नहीं देता। वो कपड़ों की जगह किसको लटका देती है? बिल्ली बेचारी लटक जाती है और कैसे गुस्सा हो जाती है, दांत भी निकाल देती है ना। यहाँ बिल्ली को बहुत गुस्सा आता है। किस पे गुस्सा आता है? दादी अम्मा पे। क्यों गुस्सा आता है बोलो? आप बोलो क्यों गुस्सा आता है? बिल्ली को लटका दी थी ना, इसीलिए बिल्ली को गुस्सा आता है। फिर दादी अम्मा खाना खाने जाती हैं। उनकी बहू भी होती है और बेटा भी होता है। जब वो खाना खिलाते हैं तो दादी अम्मा के प्लेट में चप्पल आ जाता है। दादी अम्मा को तो दिखता नहीं है और वो खाना खाने लग जाती है। अभी वो हमारा जो चप्पल वाला खो गया है वो तो वो खाना खाने लग जाती है। कोई चप्पल खाता है? नहीं खाता है ना, लेकिन वो खाती है। क्यों? क्योंकि उनको चश्मा नहीं लगा होता है, उनको दिखाई नहीं देता है। फिर उनके बेटे ने दो पोता और पोती होते हैं। दो बच्चे भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे क्लास में। ये कौन है? इसके दादी के पोता और पोती, जो दादी अम्मा को बहुत प्यार करते हैं ना। दादी अम्मा की हेल्प करते हैं, उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। ठीक है, दादी अम्मा जब अपने घर कमरे में सोने जाती है वो पेड़ पे चली जाती है। चलते चलते उन्हें लगता है कि वो सीढ़ियां पकड़ के अपने रूम में जा रही हैं, लेकिन वो पेड़ की साइड में चली जाती है। क्यों चली जाती है वो पेड़ पे? हाँ, ये दिखता नहीं है ना, इसलिए वो पेड़ पे चली जाती है। ये बातें उनके बेटे और बहू देख रहे होते हैं और फिर उन्हें लगता है कि उनको उनकी मम्मी का चश्मा ढूंढ के लाना चाहिए। और फिर वो ढूंढ के लाना, ये लोग ढूंढने चले जाते हैं दादी अम्मा के चश्मे। दादी अम्मा कमरे में आती हैं तो वो कपड़े चेंज करना चाहती हैं। सब लोग करते हो ना? जब वो कपड़े चेंज करती है ना तो वो अपनी पोती का ड्रेस पहन लेती है। कोई पहनता है क्या? नहीं पहनता है ना। वो क्यों पहन लेती है? नहीं होते हैं ना,
का बेटा चश्मा ढूंढ के लाता है, चश्मा ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच जाता है, कौवे के घोंसले में, और उनका चश्मा घोंसले में होता है और चश्मा ला के देता है और दादी बहुत खुश हो जाती है। सोना ही भूल जाता है, क्या क्या होता है इसको, इसको नींद कैसे सो से नींद ही भूल जाता है। तो एक दिन इसकी मम्मी जाती है अपने मौसी के पास। कौन कौन जाता है मौसी के घर? कौन कौन गया? मैं कल गया था ना। गया था? अच्छा, तो बंदर देखा था। अच्छा, तो उसकी मम्मी चली जाती है। किसकी मम्मी? हाथी की। हाथी की मम्मी कहाँ जाती है? मौसी के घर। तो वो सोना ही भूल जाता है, कहता है मम्मी पता नहीं कैसे सोते हैं। तो वो जाता है सोने के लिए। क्या सोचा कि हम जानवरों से पूछते हैं कि कैसे सोते हैं, तो सबसे पहले वो कहाँ गया? सबसे वो बंदर के पास गया। किसके पास गया? बंदर। बंदर के पास। तो बंदर से उसने पूछा कि मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। तो बंदर ने क्या कहा? बंदर कहाँ देखा है आप लोगों ने? कहाँ रहते हैं? पेड़ में ना। तो इसने क्या कहा? आओ नन्हा बहादुर हाथी, पेड़ों पे सोते हैं। पेड़। तो बंदर ने क्या कहा कि हम पेड़ों पे सोते हैं। तो हाथी पेड़ पे चढ़ता है? नहीं चढ़ता है ना। तो उसने कहा कि हम पेड़ पे कैसे चढ़ जाएंगे, हम पेड़ पे नहीं सोते हैं। हमारी मम्मी ने कहा हम हाथी पेड़ पे नहीं चढ़ सकते। पेड़ पे कौन कौन चढ़ सकता है? बंदर चढ़ता है और गिलहरी। तू खरगोश, खरगोश के पास। ये है देखो बच्चों क्या है, खरगोश। तो खरगोश के पास गया और पूछा, खरगोश से पूछा कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। किसने पूछा? किसने पूछा? हाथी ने। हाथी ने क्या पूछा कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। किसे पूछा? खरगोश से। ये क्या है देखिए, सब लोग जंगलों में भी रहते हैं ना, ये बील में भी रहते हैं। इसने क्या कहा कि आप मेरे बील में घुस के सो जाओ। तो हाथी बील में घुस जाएगा? नहीं, बहुत बड़ा होता है ना हाथी, नहीं जाएगी उसकी तो बील में सुन भी नहीं जाएगी, इतना बड़ा होता है हाथी। तो उसने क्या कहा कि मैं कैसे सोऊंगा, तुम चला गया। और उसको क्या आ रहा था? नींद बहुत आ रही थी। मगरमच्छ के पास। ये देखिए क्या है, ये मगरमच्छ। किस किसने देखा है? देखा है, पानी में रहता है ना। तो उसके पास गया, बोला कि मगरमच्छ भाई मुझे और ये मुझे सोना है, मुझे सोना ही भूल गया हूँ, कैसे सोना है मुझे बता दो। तो मगरमच्छ कहाँ रहता है? पानी में। तो उसने क्या कहा, आओ मेरे पास और पानी में चलते हैं, चट्टान पे चलते हैं, चट्टान पे ही सोते हैं। तो उसको क्या याद आया कि अरे मम्मी ने तो कहा था कि पानी में नहीं जाते हैं मगर हाथी, और पानी में नहीं सोते हैं, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। तो फिर वो वहाँ से भी वापस आ गया, मगरमच्छ के पास से भी वापस आ गया, और फिर उसको नींद आने लगी, बहुत नींद आ रही थी। ये देखिए क्या है सुवर। देखा आपने पिगी? पिगी, पिगी कहाँ देखा? अपने आने पड़ी के पास देखा है कहीं? कहीं जो मैंने देखा है ना। क्या है बाबू बताओ, जब देखो क्या है ये? पिग है। हाँ, तो इसके पास गया वो कौन? हाथी। हाथी किसके पास गया? सुवर के पास गया। तो सुवर कहाँ रहते हैं? कीचड़ में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं। हाथी कीचड़ में भी नहीं रहते हैं। तो उसने कहा कि मैं यहाँ कैसे सो सकता हूँ, तो वो वहां से भी वापस आ जाता है। क्लैपिंग कर दो। कृपया चैनल के बाएं तरफ नीचे दिए सब्सक्राइब आइकन बटन में क्लिक करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।